यही वो रेलवे ट्रैक है जो राजगढ़ लेके जाता है, ये जाता है हिसार रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये सारा का सारा साईं मंदिर है, ये जितना भी एरिया है ये सारा का सारा सेक्टर 13 है। रेल नगर कैंप की मेन मार्केट है, देख सकते हो आप लोग, ये सारा का सारा दूरदर्शन केंद्र है। ये है कैंप की छोटी सी सब्जी मंडी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नितेश शर्मा व्लॉग। तो भाई टाइम हो चुका है 10:30 यानी कि 10:30, और आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया। रीज़न यही है कि यार मेरे जो पेट दर्द था ना, धरन जो मेरी डिगी हुई थी, हालांकि वो मेरी ठीक हो गई है, लेकिन अभी उसको मजबूती की ज़रूरत है। लाइक थोड़ा सा ना अभी उछल कूद नहीं कर सकता मैं, जस्ट अभी मैंने कल सुबह ही धरन ठीक करवाई। और मैं यार संदीप भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ यार कि संदीप भाई ने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे को 3 दिन से यार पेट दर्द था, इतना भयानक पेट दर्द था ना कि दिमाग ख़राब हो रहा था कि करें तो करें क्या। तो भाई संदीप यार बहुत बहुत धन्यवाद तेरा कि यार तूने मेरी धरन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ संदीप भाई मेरे को कल सुबह ले गए थे और वहाँ पे उन्होंने मेरी धरन की प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी थी, मेरी धरन निकलवा दी थी। हालांकि मुझे काफ़ी फ़र्क है, पेट में काफ़ी सुधार है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने चाहिए, ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, कहीं वापस डिग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो सुबह मॉर्निंग वॉक करने नहीं गया, रात को भी यार थोड़ा लेट हो गया था सोते सोते, तो यार सुबह काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को, करीब 9:30 या 10:30 हो गए थे उठते उठते। बस फिर उठा, अपना नहाया धोया, अपना फुल तैयार हुआ, उसके बाद आपसे मिलने आया हूँ। अभी हो चुका है टाइम 10:30, और आज का क्रियाकल आपका कुछ आता पता नहीं है भाई। क्या है ना कि मेरा शेड्यूल उथल पुथल होया पड़ा है, कंप्लीट शेड्यूल उथल पुथल हुआ है। कभी मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूँ, कभी मैं नहीं जा रहा करने जा रहा हूँ, तो उसके बाद घर पे आके कोई काम नहीं होते, कभी नींद आ जाती है, कभी पेट दर्द हो जाता है। मेरे को यार बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग है, बहुत सारे काम मुझे करने हैं, मेरी स्टडी वगैरह से भी रिलेटेड काफ़ी सारे काम है जो मेरे बहुत सारे पड़े हैं। तो आज का क्रियाकलाप यही होना है कि यार थोड़ा सा शेड्यूल को ऊपर नीचे जो शेड्यूल हो रहा है उसको ठीक करते हैं, और जैसा भी रहता है आज का प्रोग्राम वैसे आपको बताते हैं, तो बने रहो आप हमारे साथ ही। हाँ तो भाई शाम के बज चुके 6, सुबह मॉर्निंग वॉक करने ना जाऊँ ना यार, तो सारा दिन ऐसा निकलता है यार पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, अगर मैं रात को लेट सो जाऊँ ना, मेरा अगला दिन दिमाग ख़राब रहता है, अगला दिन मेरा फिनिश रहता है, क्योंकि सिर भारी हो जाना, और बस वही प्रॉब्लम है। तो मुझे तो भाई जल्दी सो के जल्दी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि जल्दी सो के जल्दी उठो यार, दिन भी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह आप कर लेते हो। आज मैंने देखा है कि लेट मैं सोया था रात को और सुबह लेट उठा, मॉर्निंग वॉक करने नहीं गया, और फिर उसके बाद सारा दिन ऐसे ही थोड़े बहुत वो काम हो गए, फिर 1-1.5 घंटा नींद आ गई, नींद भी ज़्यादा आती है सुबह अगर लेट उठो तो उसके बाद धीरे धीरे बस वही है, थोड़े बहुत काम वाम निपटाए, सारा काम कुछ करा, और उसके बाद अब टाइम हो चुका है 6:03। तो अभी का प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा, अब कहाँ चले क्या करें। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई वापस से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा मोटो व्लॉग करते हैं और शाम के नज़ारे वगैरह देखते हैं। थोड़ा सा पटेल नगर की मार्केट होगी, या फिर 16-17 सेक्टर की तरफ निकलते हैं, 13 सेक्टर की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं जैसे भी अच्छा लगता है, जहाँ भी बढ़िया लगता है तो वहाँ की तरफ निकलते हैं। तो बने रहो आप सभी हमारे साथ ही, तो मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉग पे। तो भाई मोटो व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट हो चुकी है, मैं मोटो जोगी नितेश शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस मोटो व्लॉगिंग में। और आज की हमारी मोटो व्लॉगिंग यार जाएगी पटेल नगर से होते हुए सेक्टर 16, 17 और सेक्टर 13 की तरफ, और आज आपको दिखाऊंगा पटेल नगर की मार्केट। और ये मोड़ आ जाता है, ये हरिहर मंदिर मार्ग है, और ये आ जाती है भाई कैंप चुंगी, इसे बोलते हैं कैंप चुंगी, और यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेने के बाद आ जाता है भाई पटेल नगर कैंप। तो ये दुर्गा मंदिर पटेल नगर का, और साथ साथ चलते हुए हम लोग, ये है भाई CID कॉलोनी, सारी जितनी भी लेफ्ट साइड में मेरे है वो CID कॉलोनी है। और अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं यार पटेल नगर कैंप की मेन मार्केट के अंदर, और बहुत पुराना एरिया है ये पटेल नगर, और ये हम एंट्री कर चुके भाई पटेल नगर कैंप की मेन मार्केट के अंदर। ये सारी मार्केट पटेल नगर कैंप की मेन मार्केट है, और देख सकते हो आप यहाँ की चहल पहल, रंगारंग चहल पहल देख सकते हो। यहाँ पे श्री हनुमान जी का मंदिर आ जाता है, हम आते हैं मंगलवार को इसी मंदिर में, और सीधा सीधा चलेंगे हम लोग तो कैंप की सब्ज़ी मंडी भी आती है, और देखते हैं अगर मौका लगा तो सब्ज़ी मंडी के अंदर से भी आपको घुमा देंगे। तो ये सारा एरिया कैंप की मेन मार्केट का एरिया है, और यहीं चलते चलते श्री राम मंदिर भी आ जाता है, यहाँ पर श्री राम टेम्पल है,
बहुत ही बढ़िया टेंपल है। जय श्री राम। और चलो सब्जी मंडी के अंदर लेके जाते हैं आपको। ये है कैंप की छोटी सी सब्जी मंडी, जो थोड़ी बहुत सब्जी मंडी है कैंप की, लोकल एरिया वालों के लिए मंडी है। हालांकि मैं यहाँ से सब्ज़ी नहीं लेके आता, मैंने आपको जो दिखाई थी पुरानी सब्ज़ी मंडी, मैं वहीं से सब्ज़ी लेके आता हूँ। तो ये सारी मंडी है वो कैंप की सब्ज़ी मंडी है। और सारा एरिया ये कैंप का एरिया है। और ये आ जाता है भाई शिव पार्क, शिव मंदिर पार्क है, काफ़ी फेमस पार्क है ये। और यहाँ पर रावण वगैरह भी जलाया जाता है, मतलब जब दशहरे वगैरह के टाइम रावण वगैरह का भी उत्सव काफ़ी धूमधाम से किया जाता है। एक तो आप मेन मार्केट जाओ और एक यहाँ से लो, बस फिर वही है, मेन मार्केट में दूर जाना और टाइम भी और पैसा भी थोड़ा सा, यार बस वही है। ठीक है, मार्केट अपनी अच्छी है, पड़ोस में मार्केट है, इन एमरजेंसी कोई सामान वगैरह चाहिए हो, जल्दी चाहिए हो, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, पड़ोस में ही मार्केट है और सब्ज़ी मंडी भी है, मतलब सारी फैसिलिटी है, ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ अब कैंप की मार्केट ख़त्म हो जाती है और हम लोग मुड़ जाते हैं 16-17 के लिए। यहाँ से 16-17 सेक्टर आता है, और याद होगा आपको सिकंदराबाद एक्सप्रेस में या फिर राजगढ़ जाते हुए मैंने बहुत बार आपको दिखाया है अंडर पास, जिस पास के अंदर निकलते हुए हम लोग अंडर पास से जाते हैं, मैंने बहुत बार दिखाया होगा कि हम 16-17 सेक्टर यहीं से जाते हैं। तो आज आपको वो अंडर पास भी दिखाऊंगा और वो ट्रैक भी दिखाऊंगा जो राजगढ़ जाता है। बहुत बार मैंने ट्रेन में आपको सारा कुछ दिखाया भी है उस ट्रैक में। और ये लाजवाब छोले भटूरे वालों की मेन ब्रांच, वही दिल्ली वाला मशहूर लाजवाब छोले भटूरे वाले की मेन ब्रांच, मैंने आपको पहले भी दिखाई है। और ये यहाँ से वो अंडर पास आ जाता है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, यही वो अंडर पास है। और जो मैंने आपको याद है सिकंदराबाद एक्सप्रेस वाला व्लॉग भी करा था, और दूसरे व्लॉग भी मैंने बहुत बार राजगढ़ जाता हूँ तो मैंने बहुत सारे दूसरे व्लॉग भी मैंने करे थे, तो यही वो रेलवे ट्रैक है भाई। तो यही वो रेलवे ट्रैक है जो राजगढ़ लेके जाता है, ये जाता है हिसार रेलवे स्टेशन की तरफ। और इधर से अगर जाएं हम लोग तो ये सीधा राजगढ़ जाता है। और इसी ट्रैक से मैंने दिखाया था आपको कि ये वो अंडरपास है जो 16-17 सेक्टर की तरफ जाता है। और चलो फिर हम इस अंडर पास पे जाते हैं और 16-17 सेक्टर की तरफ हम निकलते हैं। यहाँ से सीधा चल जाते हैं तो वही जेल आ जाएगी, और ये वही पटेल नगर का एरिया है। आज आपको रोड के माध्यम से भी मैंने दिखा दिया। और भाई शाम को तो वैसे भी बहुत रिस्क होता है, मतलब मोटो व्लॉगिंग करने का, आप दिन में बहुत अच्छे से व्लॉगिंग कर लो, अब अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने के साथ साथ यार प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, लाइटें वगैरह आँख में पड़ती है व्हीकल्स की। तो ये वो अंडरपास ख़त्म हो जाता है उस तरफ से हम लोग आए थे, और यहाँ से मुड़ते हुए हम लोग चले जाएंगे अब 16-17 सेक्टर की तरफ। और यहाँ से चलते हुए हम आते हैं तो भाई 16-17 सेक्टर में आपको मिल जाएगा हॉकी ग्राउंड। आपको एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, तो ये पूरा का पूरा हॉकी ग्राउंड है। आप क्रिकेट विकेट भी अपना खेल सकते हैं, जैसे ये सब लोग खेल रहे हैं, तो ये सारा का सारा जितना भी है ये हॉकी ग्राउंड है। सेक्टर 16-17 में काफ़ी चहल पहल रहती है, लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, काफ़ी बढ़िया है, अच्छा ग्राउंड वगैरह बना रखा है यहाँ पर। और हमारे तो दिन अब रहे नहीं है भाई क्रिकेट विकेट खेलने के, बाकी खेलना चाहिए, दिन विन कुछ नहीं होते भाई, खेलो बस, हमें तो यार टाइम ही नहीं लग पाता बस। और एक बार क्रिकेट खेल लिए तो भाई पूरा दिन उठा नहीं जाएगा, हाथ उठ दर्द करने लग जाएगा, बस सो पंगे ही हैं। घूमते यहाँ पर पहला जो लेफ्ट टर्न आएगा, लेफ्ट टर्न की तरफ मुड़ते ही 13 सेक्टर की शुरुआत हो जाती है। ये जितना भी एरिया है ये सारा का सारा सेक्टर 13 है, ना कि सेक्टर 16-17। सेक्टर 16-17 के जस्ट लगता ही सेक्टर 13 है। नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं भाई, ये देखो ये फ्लैट सिस्टम शुरू हो गए हिसार में, ये फ्लैट सिस्टम बन रहे हैं सारे।
ये देख सकते हो आप, ये सारे के सारे फ्लैट सिस्टम बन रहे हैं, अलग अलग तरह के मरले फ्लैट सिस्टम शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे बिल्डर्स ने अपना अपना काम शुरू कर दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं यहाँ पर, आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिल जाएगी, लाइब्रेरी मिल जाएगी, कोचिंग सेंटर वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सेक्टर 13 की पार्किंग आ चुकी है भाई। हर एक सेक्टर में एक पार्किंग टाइप होती है, मतलब चारों तरफ अलग अलग तरह के, मतलब शोरूम वगैरह हो गए, चीज़ें होगी, और उसके बाद यही घूमते फिरते हैं। सेक्टर 13 में ही घूमते फिरते घूम रहे हैं हम लोग। और ये पार्क की सोसाइटी होगी, ये पार्क वार्क भी बहुत बढ़िया हैं, छोटे से पार्क बना देते हैं और आसपास के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। हिसार के अंदर एक नई चीज़ और है भाई, दूरदर्शन केंद्र जो कि सेक्टर 13 में है, मतलब प्रसारण जो हिसार का होता है वो यहीं से होता है। ये सारा का सारा दूरदर्शन केंद्र है, ये सारा का सारा दूरदर्शन केंद्र है, मतलब हिसार का दूरदर्शन का खुद का एक सेंटर है हिसार के अंदर। और शाम को शायद 4-5 बजे के बाद DD1 जो है वो DD हिसार बन जाता है। तो ये आप एरिया देख सकते हो कम्प्लीटली, ये सारा का सारा दूरदर्शन केंद्र है, देख सकते हो आप लोग, ये सारा का सारा दूरदर्शन केंद्र है। हिसार में ही 13 सेक्टर में स्थित है दूरदर्शन केंद्र। तो आप देख सकते हो कि हिसार की काबिलियत, हिसार की कितनी ज़्यादा फैसिलिटी है। हमारा खुद का एक DD का चैनल है DD हिसार के नाम से, जो कि शाम को लगता होगा मेरे ख्याल, शाम को जो हरियाणा में जितने चैनल हैं ना वहाँ से DD के चैनल शुरू हो जाते हैं। तो DD हिसार, हिसार का प्रसारण केंद्र है, हिसार की न्यूज़ व्यूज़ होगी, सारा कुछ हो गया। तो दूरदर्शन वालों ने भी कितनी बढ़िया फैसिलिटी दी हुई है, देख सकते हो ये टावर है भाई, ये पूरा टावर है दूरदर्शन वालों का हिसार के अंदर। इसी के साथ साथ अब हम आपको लेके चलेंगे सेक्टर 13 में एक और चीज़ है, साई मंदिर, शिरडी साई मंदिर है। तो शिरडी साई मंदिर की तरफ हम आपको लेके चलेंगे, जो कि दूरदर्शन केंद्र के ही जस्ट पास में ही है। ये सारा का सारा दूरदर्शन केंद्र है और यहाँ पर जा कर के आ जाता है साई मंदिर। शिरडी साई मंदिर है और बहुत फेमस शिरडी साई मंदिर है। यहाँ पर वीरवार को यहाँ पर बहुत ही जम के जमावड़ा लगता है। ये पूरा का पूरा जो मंदिर है, ये पूरा का पूरा मंदिर भाई साई मंदिर है, जो कि सेक्टर 13 के अंदर है। आज आप सभी को शिरडी साई मंदिर के दर्शन कराए हैं, जय साई नाथ, जाओ। तो अब अपन निकल पड़ते हैं भाई 13 से हम लोग निकलते हुए अब घर की तरफ निकलेंगे बस। तो ये था हिसार का सेक्टर 13, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और दो मेजर चीज़ है सेक्टर 13 में, दूरदर्शन केंद्र प्लस शिरडी साई मंदिर। और भाई सेक्टर 13 की एक और चीज़ ये है, सेक्टर 13 का कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक केंद्र है, जो कि हर एक सेक्टर में शादियों वादियों पार्टियों के लिए रखे जाते हैं। आज यहाँ पे भी शादी है,
जिस तरह आप देख सकते हो। तो ये सामुदायिक केंद्र है। तो इस मोटो व्लॉग को आज इतना ही रखते हैं। होप करते हैं आप सभी को ये मोटो व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें कि हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।